नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू का इंदौर में सुबह से ही प्रभावी रूप से पालन देखने को मिला, जिसके चलते विभिन्न चौराहों पर पुलिस की सख्ती साफ तौर पर नजर आई है। इस दौरान बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल भी भेजा गया है। शहर में तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोरोना वायरस नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। आलम है कि रोजाना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बाद अब 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लागू किया है। इस दौरान पहले से अधिक सख्ती बरती जा रही है। वहीं इंदौर में सुबह से ही जनता कर्फ्यू का सख्त पालन देखने को मिला, जिसके चलते विभिन्न चौराहों पर पुलिस का पहरा नजर आया है। इस दौरान बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल भेजा गया है। साथ ही तफरी पर निकले लोगों से सख्त पूछताछ कर उठक बैठक लगवाई। ट्रैफिक टीआई दिलीप सिंह परिहार के अनुसार रीगल तिराहे पर सुबह 11 बजे तक 25 लोगों को अस्थायी जेल भेजने के लिए पकड़ा जा चुका था। अभी जैसा कि कलेक्टर साहब द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें सड़क पर जो भी फालतू घूम रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं, बेमतलब में घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है उनको, और पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि ये संक्रमण फैल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, और इससे बचाव के लिए जो है कम से कम लोग सड़क पर आएँ, ये उद्देश्य है। हाँ, ये बसें लगी हुई हैं, ए आई सी डीजल की बसें हैं, जो फालतू लोग हैं उनको बिठाल करके अस्थायी जेल भेजा जाता है। सर, अब तक कितने लोग लगभग पकड़े जा चुके हैं इनको अस्थायी जेल भेजा जाना? अभी हमारे पॉइंट से तो करीब 20-25 लोग को भिजवाए हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।